सुंदरदान और हमारे प्यारे जजमान। आज हम आए हैं आप सबको एक नाटक दिखाने और समझाने। क्या समझाओगे? क्या वही कन्या भ्रूण हत्या या फिर बालिका शिक्षा के नाटक दिखाओगे? अरे नहीं नहीं, तो आज क्या बताओगे? क्या नया समझाओगे? आज हम इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बीमारी कोरोना के बारे में? अरे कोरोना तो फिर भी छोटी बीमारी है, वैक्सीन आते ही एक ना एक दिन इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। अरे पर वो बीमारी है क्या? वो बीमारी है हमारे युवाओं पर पड़ते सोशल मीडिया के कुप्रभाव की। तो चलो देखते हैं कैसे सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ने हमारे युवाओं को जकड़ रखा है। आ गए आप, इंटरनेट आपका स्वागत करता है। भूल गए पूरी दुनिया मुझसे प्रभावित है, पर आजकल का युवा मुझसे कुप्रभावित। पर उसे बीमार करने में मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ही मेरे साथ में मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी की पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है, सब दीवाने हैं मेरे। मैं फैलाती हूँ झूठी अफवाहें, फेक न्यूज, न्यूज चैनलों से भी तेज खबरें मैं फैलाती हूँ। मैं पैदा हुई थी लोगों की सुविधा के लिए, पर लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल कर लिया और आज पूरी की पूरी दुनिया को मेरी लत लग चुकी है। मैं फेसबुक, सभी लोग मुझे यूज करते हैं, अपना घंटे समय व्यतीत करते हैं। लोग अपने काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मुझ पर लगे रहते हैं। युवा अपनी बुक्स छोड़कर मुझ पर लगे रहते हैं। मैं बना था कि मुझसे आप दूसरे लोगों से जुड़ सके, मगर आप किसी भी लोगों से, किसी भी अनजान व्यक्ति से जुड़ जाते हैं और फिर शिकार बन जाते हैं उनके बिछाए हुए जाल का। मैं इंस्टाग्राम, मैंने युवाओं को पूर्ण रूप से पागल कर दिया है। अब उनकी दुनिया सिर्फ हैशटैग पर ही टिकी हुई है। मैं आए दिन अपना रूप बदलता रहता हूँ और जब से मुझ में रील का फीचर जुड़ा है पूरी दुनिया ही पागल हो गई है मुझसे जुड़कर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। इन युवाओं में जो मानसिक तनाव बढ़ता है उससे मुझे खूब मजा आता है। हमने युवाओं को शिकंजे में जकड़ लिया है। तुम सब हमारी गिरफ्त में हो। तुम हमारे इशारे पर चलते हो। तुम सब हमारी कठपुतली हो। तो देखा आपने कैसे समाज, युवा, बच्चे सब सोशल मीडिया के कब्जे में है। वो दिन दूर नहीं जब वास्तविक दुनिया मिट जाएगी और रह जाएगी सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया। सारे रिश्ते, नाते, संबंध सब खत्म हो जाएंगे, रह जाएगा तो सिर्फ सोशल मीडिया और अकेला इंसान। और जिससे युवाओं में होगा डिप्रेशन, अकेलापन, एंजाइटी और बहुत सारा दुख और बहुत सारा दर्द। तो अब भी समय है, संभल जाओ, कहीं इसका अगला शिकार आप ही ना हो।